वेलकम टू शेफ्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं अक्का मूंग मेथी का ग्रेवी। ये बनाने के लिए हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई गरम होते ही इसमें 2 स्पून घी डालेंगे ताकि अपने को थोड़ा मसाला फ्राई करके लेना है। पहले हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लवंग, 4 से 5 लौंग थोड़ा अच्छे से फ्राई करके। इसके बाद इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कली, 2 अच्छे फ्राई कीजिए। इसको फ्राई करके अब लेंगे हम 7 से 8 काजू और 2 हरा मिर्च। आपको अगर स्पाइसी ज़्यादा लगता है ज़्यादा ले सकते हो। और 1.5 कटी हुई प्याज, मैंने यहाँ पे 1.5 कटी हुई प्याज दिया है। इसे बड़े बड़े पीस में मैंने कट किया है क्योंकि अपने को थोड़ा फ्राई करके फिर ग्राइंड करना है। उसके बाद 2 टोमेटो, इसको भी मैंने बड़े तरीके से कट किया है क्योंकि फ्राई करके अपने को ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है। इसको अब इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। ये ग्रेवी के लिए आपको इसका ही पेस्ट लगता है और कोई दूसरा कुछ डालना नहीं है। टोमेटो, ऑनियन, काजू और थोड़ा बहुत गरम मसाला और 2 हरी मिर्च। इसको अच्छे से फ्राई करके इसका पेस्ट बना के लेना है। अच्छे से मतलब थोड़ा कच्चापन जाने तक, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ तो थोड़ा सा फ्राई होना चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत फ्राई हो गया है, इतना फ्राई होगा तो भी बस हो जाएगा आपको। इसको अभी थोड़ा ठंडा करके, अभी गैस ऑफ करती हूँ मैं, थोड़ा ठंडा करके इसका पेस्ट बना के देना है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर। थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। आपको जैसे स्पाइसी कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हो, मैंने 1.5 डाला है। इसका पेस्ट बना के लेना है। अभी आप कोई जो पहला
फ्राई किया था मसाला सर, वही कढ़ाई फिर से ऑन कीजिए। उसमें 2 टेबलस्पून घी डालिए, ये घी में ही बनाना होता है, घी में बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी रहेगा तेल से। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप अक्का मूंग, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो, ये एक्चुअली हेल्दी होता है, अच्छा होता है, ज्यादा कम आपके ऊपर है, मैंने यहाँ पे 2 कप के उतना लिया है। अक्का मूंग लेंगे जो पानी में भिगा के रख के अपन ले सकते हो, उसमें अच्छे से फ्राई करना है आपको, घी के साथ अच्छे से फ्राई कीजिए। इस ग्रेवी को आप राइस के साथ भी खा सकते हो या फिर रोटी और पूरी के साथ, अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा ये, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और घी से बना हुआ हेल्दी भी है। ऐसे तो मूंग बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे बनाओगे ग्रेवी तो बहुत अच्छा लगेगा। मूंग अच्छे से फ्राई हो गया ऑलमोस्ट। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बंच मेथी लिया है, मैंने इसे अच्छे से क्लीन किया है। इसको कैसे क्लीन करना है मैंने डिस्क्रिप्शन में सब दिया है, कैसे वॉश करना है इसको अच्छे से, क्योंकि आपको तो पता है मेथी में बहुत कुछ मट्टी ज़्यादा क्या क्या होते हैं। एक बंच और मेथी को कैसे क्लीन करना है मैंने पहले वाले वीडियो में दिया है, जो मैंने दाल पालक बनाया उसमें दिया है, सेम उसी तरह से इसको मेथी को भी आपको वैसे ही क्लीन करना है। आप एक बार देख लीजिए वो वीडियो। अच्छे से इसके साथ मिला लीजिए और ये कड़वापन भी आपको नहीं लगता है मेथी इसके साथ, जब आप ये ग्रेवी बनाओगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा भी कड़वापन नहीं आएगा। आप मेथी भी कितनी भी ले सकते हो, ज़्यादा लोगे तो भी अच्छा रहेगा। देखिए अभी मेथी कितना थोड़ा सा हो गया, मैंने कितना 1 बंच पूरा लिया है, खाने के टाइम भी ये मिलता नहीं है आपको, एकदम पूरा उस ग्रेवी के साथ अच्छे से मिल जाता है। पकने दो इसे अच्छे से, ऑलमोस्ट पक गया है। अब इसमें हम ये जो मैंने फ्राई किया हुआ मसाला है उसका पेस्ट बना के लिया है, वो पेस्ट को अभी आप इसमें ऐड करोगे। थोड़ा पानी मिला के मैंने इसे मिक्स किया है, सॉफ्ट टेंस और नमक। दस मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दीजिए। पाँच से 10 मिनट तक मीडियम आंच पे। चलो अभी देखते हैं, थोड़ा पक गया है, देखो पक गया है, थोड़ा थिक हुआ है, कवर ऐसे मैं रख सकती हूँ, मैं थोड़ा इसमें पानी डालती हूँ, थोड़ा ग्रेवी
पानी अड़ गए तो थोड़ा ग्रेवी रहेगा। अच्छा, आपको ग्रेवी मिलेगा। अभी थोड़ी देर ऐसे ही पकने दीजिए। तो जितना चाहिए पानी उतना ऐड कर सकते हो, ठीक चाहिए तो ठीक रख सकते हो। अभी एक उबाल आने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, अभी इसमें हम ऐड करेंगे अमूल का फ्रेश क्रीम। मैंने 2 टेबलस्पून अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है। डालने से टेस्ट और भी अच्छा रहेगा। जिसको क्रीम नहीं जमता है वो स्किप कर सकते हो। इसके बाद मैंने आधी कटी हुई नींबू ली है, लेमन जूस ऐड करना है आपको थोड़ा खट्टापन के लिए। थोड़े देर पकने के बाद फिर बंद कीजिए। चलो, अच्छा बॉईल आ गया है। आपका मूंग और मेथी का ग्रेवी रेडी हो गया है। प्लीज़ ट्राई कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।